हेलो दोस्तों, डीप ब्रीथिंग कर सबका फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ का दो नया टॉपिक आभाष संख्या प्राइम नंबर और भाज संख्या कंपोजिट नंबर को बताऊंगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आभाष संख्या से। आभाष संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें आभाष संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। इसका मतलब क्या हुआ? आभाष संख्या वैसी संख्या है जिसका एक ही दो ही गुणनखंड हो। जैसे इसमें देखें, 2 को एक काटता है और 2 अपने आप को ही काटता है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 2 को काट दे। जैसे 3 को एक काटता है और 3 अपने आप को ही काटता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। जैसे ले लिया 7, तो 7 का एक गुणनखंड है और 7 खुद अपने आप का एक गुणनखंड है। आभाष संख्या का कहना ही है कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर होना चाहिए। 9 ले लिया, तो 9 को एक काटता है, 9 अपने आप को भी काटता है और 9 को एक और नंबर काटता है जो है 3, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कहता है कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। वो कौन सा फैक्टर होना चाहिए? वे फैक्टर होना चाहिए 1, और दूसरा खुद वो नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसको काटे। अगर वो काटता है तो प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक आभाष संख्या नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। केवल 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है तथा वह सबसे छोटी आभाष संख्या है। चलिए समझते हैं इसको। आभाष संख्या लिखते हैं इसको, 2, 3, 5, 7, फिर 9। देखिए फिर 9 तो नहीं होगा। 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 20। 20 नहीं होगा। अब बोले 21 भी नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि 21 को 1 भी काटता है, 20 अपने आप को भी काटता है, 27 भी काटता है, 20 को 3 भी काटता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद होगा 23। तो देखिए यहाँ इसके आगे 2 को छोड़कर इसके आगे जितनी भी संख्या लेके सभी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर के साथ साथ इवन भी है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इवन प्राइम नंबर कौन है? तो इवन प्राइम नंबर 2 है, और प्राइम नंबर की शुरुआत, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 ही से होती है। तो चलिए आगे अभाज्य संख्या देखते हैं। अगली संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं उसको समझते हैं। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 है, तो 4 का देखते हैं कितना गुणनखंड है। 4 को 1 भी काटता है और 4 अपने आप से भी काटता है, और 4 को एक और संख्या है 2, वो भी काटता है इसको। तो यहाँ देख रहे हैं 4 का मिनिमम 3 गुणनखंड हो रहा है। तो भाज्य संख्या का कहना ही है कि वैसी संख्या जिसका मिनिमम कम से कम 3 गुणनखंड हो, वह एक से कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और अन्य संख्या से भी कटे। जैसे 5, तो 5 को देखें तो 5 एक से कटता है और 5 से कटता है, खुद से कटता है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 5 को काटे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 9 को 1 भी काटता है, 9 खुद से भी कटता है और 9 3 से भी कटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मिनिमम 3 गुणनखंड हो गया, मतलब मिनिमम इसको 3 नंबर 9 को काटा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में मैंने बताया था कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपने सोचा होगा एक अभाज्य नहीं तो भाज्य होगा, लेकिन ये एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, न ही प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या सम व विषम दोनों हो सकती है। अभाज्य संख्या में 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्या जो आती थी वो सभी संख्याएं विषम होती थी, लेकिन भाज्य संख्या में सम और विषम दोनों होते हैं। जैसे 4 देखिए, सम है और ये विषम है, लेकिन दोनों कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमसे अगर पूछा जाए तो वो है 4। सबसे छोटी संख्या 4 है और प्राइम नंबर में सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है और कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से होती है। आशा करता हूं कि ये दो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको इसी तरह किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिया करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।